भाई उधर लड़की के पीछे लड़ाई होगी इतनी तकड़ी। अभी आपने देखा थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, उसके ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला। सुबह लड़ाई हुई थी पता है क्या यहाँ पे, तो वहाँ पे ना एक लड़की थी भाई, जब लड़ाई में थी तब तो ये वो माँ बहन की तकड़ी तकड़ी गालियां दे रही है भाई। ऐसे लड़की को देखना डर लगने लग गया कि लड़की के पास नहीं था ना भाई, मतलब बात करने का सोचने का ही नहीं, वो बोलने का लग हाँ, मतलब ऐसे गालियां पे गालियां आ रही है, नबोन हाथ में वो पता नहीं क्या ले रखा था ना, तकड़ी लड़ाई। तो भाई जैसी लड़ाई लुड़ी खत्म हुई, बात खत्म होगी भाई, ये रेड टी शर्ट वाला जोमेटो वाला भाई देख रहे हो भाई, इतना गलत कट मार के गया ना, अभी खुद गिरता हम। आवाज मस्त है भाई, करना थोड़ी वोल्सवैगन की गाड़ी के साथ लग रही है रेस, वोल्सवैगन की गाड़ी आगे निकलती हुई। ओह नो शिट मैन। फाइनली गाइस हम जा रहे हैं खान साहब के साथ बारिश के अंदर, बारिश के मजे लेते हुए, लोअर पहन लिया धुला हुआ कि दोबारा धो लेंगे, लेकिन खान साहब आ लेके जा रहे हैं हमें रिद्धि सिद्धि भाई, बारिश के अंदर जाने का मन होता है, लेकिन आज खान साहब के साथ जो पिछले व्लॉग में हमने स्कूटी बैक की थी वो स्कूटी ये रही, और आज इसी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं हम और व्लॉग भी कर रहे हैं, और खान साहब और मेरे पास सेम हेलमेट है, कलर चेंज है बस। बैठ जाए यार, हमारी पिछवाड़े गिल्ले हो जाएंगे। अरे तुम्हारे स्कूटी वाला फर्ज तो पूरा करो, वो पैर वाला निकालो तो सही। मैं और खान साहब भाई, ये रेड टी शर्ट वाला जोमेटो वाला भाई देख रहे हो भाई, इतना गलत कट मार के गया ना, अभी खुद गिरता हम। और अभी हम जा रहे हैं रिद्धि सिद्धि की साइड। तो गाइस हमारे पास आगे खड़ चुकी है मस्त सी, उधर जो बाइक है उसका एग्जॉस्ट नोट सुनो यार, आवाज मस्त है भाई, करना थोड़ी। पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही, लेकिन अगर आ रही है तो बहुत मस्त एग्जॉस्ट साउंड है भाई, स्वाद आ गए। खान साहब अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ाते हुए 30 से 40 तक जाते हुए, और 40 की स्पीड में बहुत तेज चल रहे हैं हम। खान साहब पता है जब भी बारिश होती है ना, इस रिद्धि सिद्धि चौराहे पे मैं जरूर आता हूँ, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे आना बारिश के टाइम में, इसलिए आया हूँ आज मैं आपके साथ भाई। जिस साइड जा रहे हैं ना उधर आता था मैं अपनी कोचिंग करने के लिए, जयपुर की सड़कें देख लो भाई, तो गाइस उधर आपको देखने को मिलेगी हमारी एक्स कोचिंग। अबे जयपुर में इतना ट्रैफिक लगता है ना, निकाल दो खान साहब, रूल ब्रेक करो, रूल ब्रेक करो, ब्रेक द रूल्स। मैं ही तो दूंगा पुलिस वालों को कि भाई पकड़ लो, वो देखो लड़की गई, लड़की ने किया रूल ब्रेक सड़क पे, पापा की परी है, दे कैन डू एनीथिंग एल्स दे वांट। भाई मेरी इंग्लिश निकल रही है आज फिर वापस से कई दिनों बाद। भाई वोल्सवैगन की गाड़ी के साथ लग रही है रेस, वोल्सवैगन की गाड़ी आगे निकलती हुई। ओह नो शिट मैन, वी लूज दैट। बस आ गए भाई, खान साहब इतना धीरे चला रहे हैं, सारे के सारे आगे जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने पहले बोला था कि इंजीनियर्स होते हैं वो चाय के नशेड़ी होते हैं, तो ये देख लो भाई, ये इधर चाय पीने आए हैं पूरा घूम घाम के हम आए हैं, उसके बाद यहाँ पे चाय पी रहे हैं भाई। ये इंजीनियर लोग इतनी चाय क्यों पीते हैं, सब इंजीनियर्स को देख, मेरे पापा इंजीनियर, मतलब जिस बंदे ने बी टेक कर ली ना तो चाय पिएगा ही पिएगा, और दिन में 3-4 मतलब जितनी मिले उतनी कम। और किसी भी मतलब ऐसा कोई फील्ड वाले को नहीं देखा, इंजीनियर्स होते हैं चाय चाय चाय, क्लास बंक करके चाय पीते हैं भाई कह रहे हैं इंजीनियर्स होते हैं ना वो क्लास बंक करते हैं और चाय पीने जाते हैं, और कॉलेज से उनको आदत लग जाती है चाय पीने की। फाइनली भाई इधर बने छोले की सब्जी,
और यहाँ पे भैया खा रहे हैं खाना, देखो 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 गैस ताला तोड़ते हुए। अरे पेस का सिलियार तू, अरे मैन प्रोफेशनल है जेपी, कितनों को लूटा है, एक्सपीरियंस है भाई, नहीं गिर रहा है यहाँ से। तो भाई भाई आ चुके हैं, इनके पास है लैपटॉप एप्पल का, तो ये हम ले रहे हैं जस्ट थिंकिंग अबाउट कि एक्सचेंज कर लें, सही है ना भाई? ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वीडियो एडिट बहुत मस्त होती है और बहुत फास्ट होती है, तो एक वीडियो हम इसके अंदर एडिट करके देखेंगे, जो नेक्स्ट कुछ थोड़ी बड़ी वीडियो होगी ना वो करके देखेंगे, इसके प्रोसेसर की वो देखें तो सही क्या कैपेबिलिटीज़ है भाई, और बिल्कुल लाइट वेट है भाई, बिल्कुल लाइट वेट, मस्त है भाई यार, मस्त है। मैकबुक एयर कभी लाएंगे हम भी लाएंगे जल्दी ले आएंगे, बस चिंता ना करो, जल्दी ले आएंगे। आ चुके हैं भाई खाना लेने के लिए, इस वीडियो में भी आ रहे हैं, एक बार दोबारा देख लो इनकी शक्ल, दिखा दो लड़की नहीं हो, और पहले लड़कियों के पीजी में काम कर चुके, वो छोड़ दिया, उसका कारण था कि सब लड़कियां बोलती थी भैया रोटी दे दो भैया, ये भैया बहुत दुख देता है जब सुंदर सुंदर लड़कियां बोलती है भैया कोई बोलो सैया, अरे भाई ये तो पक्का ही आ रही है, क्या नहीं भाई आनी चाहिए, हाँ भाई ने बोल दिया आनी चाहिए। खत्म ही हो गई क्या? लेट भाई, उधर लड़की के पीछे लड़ाई होगी इतनी तकड़ी। क्या मारा गाइस, अभी फाइल को करते हैं बाय बाय, दोनों फाइलें जमा करवा के आते हैं, जिसको मैंने कॉपी करके बनाया और जो मेरी फाइल है दोनों को। भाई लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, इधर भाई का काम चल रहा है, इसका क्या नाम है, इसको क्या पसंद है चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे गुस्सा मत करना, बॉडी बिल्डर भाई है, कहीं ठोकेगा भाई। कल आई थी बारिश और आंधी, मेरा बाइक देख लो कैसा, कितना गंदा हो रखा है भाई, इसका बाइक कितना साफ क्यों पड़ा है, इधर देखो मैंने एक कपड़ा मार के दिखाता हूँ, ये देखो इतना फर्क है, इसका बाइक एकदम साफ पड़ा है, मिट्टी नहीं है इसके बाइक पे, ऐसा क्यों है भाई, ये मतलब ये कैसा भेदभाव है, कल तक तो सही पड़ी थी भाई। कॉलेज पहुँच चुके हैं, अभी अंदर जा रहे हैं, फाइल जमा करवाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, आज का काम हो गया, अब फिर मस्ती। दोबारा बोलना भाई बोलो सही है ना भाई, हमारा ये लास्ट डायग्राम है जियोग्राफी की फाइल का, ऐसे इसको कंप्लीट करते हुए बड़ी खुशी सी हो रही है अंदर से, और इस भाई के थोड़े 10-1 पेज बचे हैं, अंदर सर कर रहे हैं काम चेकिंग। मेरे को तो इतना डर लग रहा है कि अगर मैं चेक करवाऊंगा सर पेज वगैरह काट ना दे, भाई को भी डर है। अरे कोई बात नहीं, किस मतलब देख रहे हैं कौन से टीचर से करवाएं जो हमारे गलत डायग्राम को भी सही करके टिक कर दे, मजाक है भाई, सारे के सारे डायग्राम एकदम सही बनाए, बहुत ज़्यादा सही बनाए हैं मैंने। फाइनली हमारी फाइल बन चुकी है, मंडे को आएंगे मैम, उनको चेक करवानी है। ओ भाई आज हम फ्री हो चुके हैं, अच्छे से फ्री, अब मौज जा। गाइस रूम में आ चुके हैं हॉस्टल के अंदर, ओ भाई आज तो मज़ा आ गया, जैसे काम की मतलब ऐसे कोई काम होता है उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद के जो ये वाला फीलिंग आनंद होता है ना रिलैक्स होने का। नेक्स्ट गाइस आ चुके हैं स्विमिंग करने के लिए, भाई फाइनली अभी स्विमिंग करके निकले हैं, अभी जा रहे हैं रूम पे और उसके बाद देखते हैं भाई क्या करते हैं, भाई यार थक जाते हैं पूरा, मतलब स्विमिंग करने के बाद ना इतना ज़्यादा थक जाते हैं भाई, तकड़े वाली नींद आती है, बेहोश हो जाओ ऐसी नींद आती है भाई, बहुत तकड़ी। और पास में से जा रही हमारे कार, भाई इधर कार में भैया बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील करने वाले भैया, भाई ग्रीन लाइट हो चुकी है भाई, ये रात को आधी आधी रात को 1-1 बजे भूत घूम रहे हैं गंदी गंदी शक्ल के भूत, पसंद नहीं है मेरे को, छुपा लो ओए गंदी शक्ल, छुपा लो गंदी शक्ल अपनी, ना रे बहुत ही देखना ऐसे बुरा तो नहीं मानना, भगवान कसम यार, भगवान कसम तुम्हारी शक्ल सच में बहुत गंदी है भाई, अभी वीडियो एडिट करके आया हूँ और एक्सपोर्ट हो रही है, मैं कहा चलो भाई के साथ थोड़ी, मैं जैसे ही निकला भाजपा का अब आ जा रहा हूँ, भाई कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ ना चुप करके, सो जाओ ओ निन्ना टब्बर सो जा ना सो के भी तुम क्या कर लोगे सिंगल लौंडे हो साले, सोना तो पड़े तुम्हारी मजबूरी है, मजबूरी है तुम्हारी,
देख लो भाई, सोएगा बेचारा, चाह के भी नहीं खड़ा हो सकता। भाई हम इनको बता रहे हैं कि सिंगल होने के फायदे बहुत हैं। मोदी, योगी, सलमान खान, सामने राहुल गांधी, हमारे राहुल गांधी सिंगल है भाई, चाहे कुछ भी हो सेलिब्रिटी के बराबर है वो, इसलिए बीइंग सिंगल बीइंग सेलिब्रिटी बहुत बड़ी चीज है। सिंगल अच्छे लोग सिंगल ही रह गए, अटल बिहारी वाजपेयी रह गए। अरे यार देख यार, मतलब सिंगल्स ऑलवेज रॉक्स, बहुत सुपरस्टार रह गए। वो एक कहावत है ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, भाई इनके पीछे कौन है? सिंगल है तो अच्छे अच्छे इंसान सिंगल लेके चले गए। हाँ फ्यूचर बहुत है, सिंगल वालों का ही फ्यूचर है, और गए हैं और जाएंगे। बस और किसी का फ्यूचर बने ना बने, बस मेरा बन जाए, बहुत है। मेरा एक एक एक, एक एक लास्ट सिंगल का फ्यूचर बनवा वो भी साल दो साल के अंदर बाद क्या होता, मिंगल हो जाए उसके बाद डबल हो जाए, भगवान को ही भेज ही दे भाई, भगवान को खुशी बर्दाश्त ना, भगवान के साले पड़े खुश हो रहे हो तुम, अभी भेजता हूँ, प्रोग्रेस कम करे। पहले पहले बताए, आज मैं एक सुन रहा था तो कोई इंसान बुजुर्ग बैठे तो ज्ञान दे रहे थे, कहते हैं कि भाई भगवान ने पहले इंसानों को भेजा, सारे इंसान ये तबड़ा तोड़ मचाए, भगवान ने अपने वो अस्त्र शस्त्र सब लगा लिए, भाई लड़के लोग तब भी ना रहे, मतलब भगवान भी संकट में, कि साला भी इनको तबे करें तो करें कैसे। फिर भगवान ने फीमेल्स बनाई, लड़कियां औरतें, फिर तब से इंसान मतलब मर्द लड़के टिके पड़े। मजाक चल रहा, हॉस्टल की लाइफ देख लो कैसी होती है, बस आराम से आओ खाओ पियो और नींद लो, नींद लो। इस हॉस्टल में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है वो नींद, बाकी नींद पूरा करो यहाँ आके बस। भाई कहाँ से हो आप? मैं तो बिहार से। बिहार से आपके पास में एक लगती स्टेट है यूपी, हाँ उसमें योगी आदित्यनाथ जी, हमारे योगी जी का तो बहुत अच्छा जलवा है, सिंगल है वो, सिंगल तभी जलवा है, तभी तो जलवा है, वरना तो भैया नहीं तो देख लो, नहीं तो जिस स्टेट में जहाँ सिंगल नहीं है वहाँ कोई काम नहीं, हुआ जो सिंगल है वहाँ रह गए अच्छे काम। ऐसे लग रहा है योगी जी के फैन है भागो भाई, योगी बाबा का तो बहुत अलग है, ये बात है क्या? हाँ रियली है, वो बहुत काम किया और अब सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई, पसंद है अपना अपना वो पॉइंट होता है, हमें कौन पसंद है, हमें तो आजकल कोई भी पसंद नहीं। मेरे को पसंद है रितेश बिश्नोई सबसे ज्यादा, पता है एक लड़का है फियरलेस रितेश बिश्नोई करके, देखा था ना वीडियो, देख रहा था वीडियो कहाँ उसका, हाँ वीडियो नहीं बनाता है भाई, मेरे को उसकी वीडियो इतनी पसंद आती है। अगर आपको नहीं देखी, आपको नहीं पसंद आ रही, आप जाके देखो, आपको जरूर पसंद आएगी। एक वीडियो पसंद आए, दूसरी पसंद आए, तीसरी देखना, और जब तक पसंद ना आए तब तक देखते रहना, मतलब और जब पसंद आ जाए उसके बाद तो देखनी हो तो आपका कर्तव्य। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वीडियो जरूर देखनी है, और ये वीडियो पूरी देखनी है, जितनी वीडियोज आए सारी की सारी भी देखनी है, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज। वो नीचे ऐसे ऐसे करके आया है, उसके ऊपर जाके थंब पे क्लिक कर दो, कैसे होगा बता दो यार इनको, लाइक करना नहीं आता, वो लाइक वाला कैसे होगा, क्लिक करो, समझदार है जनता है, समझदार है, बहुत समझदार, आजकल डेली यूज करते हैं लोग ना, समझदार है, देखते कितने लोग समझदार है, कौन कौन नीचे कमेंट करते हैं और कौन कौन वो लाइक करते हैं, समझदार जनता ही करेगी, समझदार मेन जनता, बाकी बेवकूफों से तो भरी पड़ी दुनिया तो ऐसे तो करे। जो जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने दो बेवकूफ बैठे हैं रात के 1 बजे टाइम वेस्ट कर रही है, वैसे टाइम ये वेस्ट नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वेस्ट तो हम तब करते हैं जब हम कॉपी पेन उठा के पढ़ते हैं या ये अपनी जॉब पे जाते हैं, वो होता है टाइम वेस्ट करना, अभी तो हम अपनी जिंदगी के आनंद ले रहे हैं, रात का यही फ्री टाइम है, दिन तो दूसरे का, रात को फ्री टाइम अकेले भाई फ्री अभी अभी हमें को बोल दे भाई घूमने चलने चलेंगे भाई चलेंगे अभी वही कई रूमों के अंदर आराम से उनकी उनको बताता हूँ मैं कैसे करते हैं वो, दूसरे रूमों का एक फॉर एग्जांपल है भाई, तो मतलब कटा हुआ है, हाँ कर बात कर है। अरे वो बोल बाबू सोना नहीं ये तो नहीं करता बस नहीं ऊपर वाले तो कर रहे हैं ना कहीं कहीं समझ गया ऊपर
उनका मैं बताता हूँ, देखना बैठे रहेंगे। अरे बाबू ने खाना खाया? नहीं बाबू नहीं खाया खाना। बाबू की ये लगी है, क्या करे, लड़कियों के ऊपर भी कितना बोझ होता है ना बेचारे, लड़कों को संभालना पड़ता पूरा रात। भाई भाई एक 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 आज का ही किस्सा बताता हूँ। अभी आपने देखा थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, उसके ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला। सुबह लड़ाई हुई थी पता है यहाँ पे, तो वहाँ पे ना एक लड़की थी भाई, जब लड़ाई में थी तब तो ये वो माँ बहन की तकड़ी तकड़ी गालियां दे रही है भाई। ऐसे लड़की को देखना डर लगने लग गया कि लड़की पास नहीं था ना भाई, मतलब बात करने का सोचने का ही नहीं, वो बोलने का लग गया। मतलब ऐसे गालियां पे गालियां आ रही है, नबोन हाथ में वो पता नहीं क्या ले रखा था ना, तकड़ी लड़ाई। तो भाई जैसी लड़ाई लुड़ी खत्म हुई, बात खत्म होगी, उधर प्लाजा के मैं और अपना एक राहुल भाई है, दो राहुल है, तो इधर वाला मेरी क्लासमेट है और एक राहुल पहले कभी हॉस्टल वाली वीडियो में देखा होगा, वरना कल दिखा देंगे। तो हम दोनों गए वहाँ पे, वहाँ पे वो लग रही भाई, यहाँ पे तो माँ बहन के तकड़े वाली आवाज रो भी ला, वहाँ पे जाके क्या हो गया, अरे बाबू आपकी लगी तो नहीं, मैं मेरे लिए लड़ाई मत करो बाबू। कितनी चेंज होती मतलब दो मिनट पहले वही लड़कियां माँ बहन तकड़े तकड़े वाली, मतलब लड़के भी नहीं देते ऐसी गालियां दे रही थी उस मतलब सामने वाले पार्टी को। वो भाई जैसी वो पार्टी गई लड़की तो चिपकली के जैसे रंग बदल गया भाई। नहीं गिरगिट। अच्छा गिरगिट। देसी भाषा गिरगिट। चलो भाई अभी क्या है कि बहुत होगी ज्यादा मस्ती मजाक, अब जाके सोते हैं। सोते तो क्या है भाई, क्या ही मतलब सोना ही पड़ेगा दादी। नहीं हम किससे बात करें, हम तो हमारे लिए बात करने के लिए है जिनके पास हम आ जाते हैं रात को। हाँ भाई देख रहे हैं, दर्द दर्द लगा ले, अरे गई थोड़ी बहुत भीड़ थी प्यादे रे। वो जो भाई अभी थोड़ी देर पहले बतलाई लड़के लड़के वाली लड़ाई, वो जो ये जो पीला पीला दिख रहा है बोर्ड सा मतलब लगा हुआ है खंबे के ऊपर, इसके जस्ट बैक साइड में उधर लाल रंग की खिड़की दिख रही होगी, वो उधर उधर सी हुई थी लड़ाई भाई। क्या गजब लड़ाई थी भाई।